Welcome on my YouTube channel. I am Chandmiya sir. You know that I am teacher of English, but many students forced to us make another part of biology. Today is my part of biology from class 10th has taken its 7th part. I have told you or taught you nutrition. ये मेरा 7वां पार्ट है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर से. न्यूट्रिशन के बारे में मैं कंप्लीट बता चुका हूँ आपको. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, विटामिन ईट्स एंट्रा. अब ये तो लेते हैं न्यूट्रिशन में. अब न्यूट्रिशन कितने टू, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है टू टाइप में डिवाइड किया गया. एक होता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ये सेल्फ बनाते हैं. क्या मतलब? सेल्फ मतलब खुद अपना फूड बनाते हैं. और ये क्या होता है, ये अदर्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो. अब इनमें प्रोसेस क्या चलता है? टू गेन द फूड फाइटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स. इसमें क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज द ऑक्सीजन. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट टॉपिक. एंड हेटरोट्रॉफिक कम्स थ्री टाइप्स. हेटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स टू गेन द फूड. इसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक में अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं. ये अपना बेचारे खुद बना लेते. कौन? ग्रीन प्लांट. इसमें केवल ग्रीन प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक में. एंड हेटरोट्रॉफिक में ये डिपेंड्स होते हैं. अब इनको तीन तरीके में इनको क्लासीफाइड किया गया, थ्री टाइप्स में. पहले होते हैं सेफ्रोफाइट. ये क्या करते हैं, ये डेड एंड डेसिंग मतलब मरे सड़े गले हुए चीज़ें खाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेफ्रोफाइटिस कहते हैं. इनके एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, फंगी, ईट्स. अब एंड पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये विदाउट किलिंग बिना मारे हुए गेन फूड अपना गेन या गेट क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं. इसमें एग्जांपल क्या होता है, मॉस्किटो, टेप वॉर्म. जैसे मॉस्किटो मच्छर है, टेप वॉर्म है जो हमारे इनसाइड है, पेट के अंदर रहता है, तो ये पैरासाइटिक में आते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये ऐसे होते हैं जो अपना मुंह से खाना लेते हैं. इनटेक फूड लेते तो ये भी मुंह से. ये बाकायदा ये न्यूट्रिशन हम आपको इसके बारे में अभी बता रहे हैं. हेटरोट्रॉफिक द मेड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेशन डाइजेशन ऑब्जर्वेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल. इसमें कहने का मतलब है होलोजोइक में वो न्यूट्रिशन होते हैं कि जिसमें हम इंटेक द फूड बाय द माउथ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑफ फूड्स. ये फूड के जो फॉर्म जो होती है लिक्विड हो भी हो सकती है, जैसे मिल्क, वाटर, एंड सॉलिड हो सकती है जैसे बनाना, एप्पल, गोवा, ईट्स. दीज आर सो बी कैन से इन होलोजोइक न्यूट्रिशन वी टेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड बाय माउथ दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें ठोस या लिक्विड या सॉलिड के रूप में हम भोजन को लेते हैं. सॉलिड या लिक्विड के रूप में हम क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं. और फूड किसके लेते हैं, माउथ के द्वारा. एक बार फिर सुनिए, ऐसा जो भी ऑर्गेनिज्म या हम या आप या कुत्ता या बंदर कोई भी है, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है लिक्विड में लेता है या सॉलिड में लेता है. भोजन के रूप में सॉलिड लेता है लिक्विड, तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. द मेड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स
सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इंजेक्शन में क्या होता है, इनटेक द फूड। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। जैसे हमारा स्टार्च मुंह में है, इसको किसमें चेंज कर दिया, ग्लूकोज में चेंज कर दिया, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर दिया, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में क्या, इन सब का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का ऑब्जर्वेशन हुआ। मतलब फूड का जो भी यहाँ डाइजेशन से बचकर आता है तो उसका ऑब्जर्वेशन हुआ बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल के द्वारा। एसिमुलेशन क्या हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस एनर्जी हुई है। जब भाई फूड जो है सेल्स बॉडी के ऑब्जर्व कर लेंगे फूड, तब क्या होगा, वहाँ पर एक नया स्टार्ट होगा, वे प्रोड्यूस करने लगेंगे क्या, एनर्जी। कौन, सेल्स ऑफ द बॉडी। अब इजिशन क्या, क्या कोई 100% हमारी बॉडी के सेल्स सारा फूड डाइजेस्ट कर लेते, नहीं, ऑब्जर्व कर लेते नहीं, तो उसमें जो भी बचता है आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, तो वो उसे इजिशन कहते हैं, रिमूव द फूड आर वेस्ट मटेरियल कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड केम आउट फ्रॉम अस, जो हमारे अंदर से आता है, क्या आता है, जो भी हमारे अंदर से मटेरियल निकलता है बाय बेनस एनएस के द्वारा, एक क्या होती है, हमने पीछे वाले वीडियो में बताया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन किसमें किसमें होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा आता है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन होलोजोइक के द्वारा आता है। अब न्यूट्रिशन क्या मतलब कह रहे हैं कि मतलब न्यूट्रिशन टू टाइप्स हुआ, एक प्लांट्स में हुआ है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ह्यूमन में हुआ है न्यूट्रिशन होलोजोइक के द्वारा, दैट इज क्लियर। अब आप देख रहे हैं नंबर टू पर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स होता है टू ब्रीथ, मतलब सांस लेना। अब इसमें केवल सांस ही लेना नहीं होता, इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं, उनको आपको समझाते हैं। पहले रेस्पायरेशन का मतलब समझते क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी मतलब किसी भी जीव जंतु या प्राणी के और जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, ऑब्टेंड एनर्जी, जो ऊर्जा प्राप्त करती, एनर्जी प्राप्त करती हैं, कैसे, वाई कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इसके कंबिनेशन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसका इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। इसका मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिल जाते हैं, जब हम, और इट इज रिस्पायरेशन, इट इन्वॉल्व्स द रिस्पायरेशन ब्रेथ, और इसमें सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कह सकते हैं कि द रिस्पायरेशन का जो कॉम्बिनेशन जो होता है टू थिंग्स से होता है, जैसे ग्लूकोज, क्या हुआ आपका ग्लूकोज कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ, ऐड किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन का, रिलीज क्या हुई, एनर्जी। एनर्जी कौन गेट कर रहा है, कौन ऑब्टेंड कर रहा है, ऑब्टेंड बाय द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं C6H12O6+O2 रिलीज क्या हुई, एनर्जी ऑब्टेन किसने की, किसने ऑब्टेन की, सेल्स ने। सेल्स किसके हैं, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी, हम बॉडी कह सकते हैं। तो दैट इज क्लियर पॉइंट, रिस्पायरेशन। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी गेट एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जो भी एनर्जी प्राप्त करते हैं तो ऑक्सीजन के और
भोजन के मिलने से बनती है। भोजन का रूप किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। इट इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रीथिंग, और सांस लेना शामिल होता है। अगर सांस नहीं लेंगे तो भाई हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फूड के साथ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज होगी। एंड तो इसमें क्या होता है, ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर आनी चाहिए, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा इसीलिए इसको क्या कहेगा, लाइफ गैस। तो इसको ये चैप्टर एक और नाम से दिया गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिस टॉपिक। अब क्या है, रिस्पायरेशन होता है टू टाइप का। कितने टाइप का? टू टाइप का। एक होता है एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड इज एन लगा लेंगे वही सेम चीज रहेगी, एन अब एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब उसमें ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, इसमें प्लस होती है। इन दिस प्रोसेस प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और क्या होती है, प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी। अब एक ऐसा शॉर्ट चल रहा है, अब एनर्जी क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, और वहां पर कौन मौजूद है, ऑक्सीजन खड़ी है, वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, और उसके सामने क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। इसलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा गया। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज क्लियर पॉइंट। अब एन एरोबिक में क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस। अब इसमें क्या है, अब्सेंस है, माइनस है, माइनस का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम है, मतलब या तो बिल्कुल नहीं या थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है, तो उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर अब अब्सेंट है, कौन अब्सेंट है, ऑक्सीजन अब्सेंट। अब दूसरी बात कह रहा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कमी है थोड़ी बहुत है नाम मात्र की, और फिर भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, कहीं पर तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और कहीं पर थोड़ी बहुत नाम मात्र की है और प्रोड्यूस एनर्जी हो रही है। तो इस रिस्पायरेशन को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज क्लियर पॉइंट नाउ। अब क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म में जाता है, तो ये फूड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये पाइरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाता है। आप कहोगे ये पाइरेवेट क्या होता है,
हम कहेंगे ये ग्लूकोज जो है हमारा फूड है, ये साइटोप्लाज्म में जाता है। जो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है, चेंज हो जाता है पाइरेवेट प्लस एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये पाइरेवेट क्या होता है आप लोग सोच रहे हैं, ये C3H4O3 होता है। अब हमने आपसे क्या कहा, ग्लूकोज जो हमारा फूड जो है साइटोप्लाज्म में जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरेवेट और एनर्जी में, और इसका फार्मूला क्या है, C3H4O3। अब ये पाइरेवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, नो प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस पाइरेवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। अब ये पाइरेवेट क्या करता है, किस में चेंज हो जाता है, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में चेंज होता है। कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बेचारी है नहीं, अब पाइरेवेट क्या जाते हैं अपने नाश्ते, मतलब क्या करते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब सेकेंड पोजीशन, अब पाइरेवेट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाता है। इससे पहले हम इसका फार्मूला बता देते हैं। हमने क्या बताया आपको, ग्लूकोज है जो साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज जो हमारा है फूड जो है हमारा साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में जैसे ही जाएगा तो वहाँ पर पाइरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब ये पाइरेवेट क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू एनॉल ब्रेक डाउन बिकेन से ब्रेक डाउन और कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। अब हम क्या कहेंगे, जो हमारा पाइरेवेट जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, इसका फार्मूला, इसका सॉरी एग्जांपल बताते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरेवेट चेंज इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द एनर्जी बी कैन से कन्वर्टेड इन एनर्जी। सिंपली पाइरेवेट चेंज हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यीस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीर। ये खमीर क्या होता है, ये ईस्ट लिखा जाता है YEAST। ये होता है क्या, ईस्ट, ये खमीर होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फंगस फैमिली से इसका यूज़ किया जाता है। ब्रेड या केक बनाने में यीस्ट का इतना पल्फी क्यों होता है, पता है आपको, ये पल्फी इतना सॉफ्ट क्यों होता है, जब इसे पकाया जाता है, कुक किया जाता है, तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और CO2 निकलने के कारण एयर बबल्स होते हैं इसमें, और जब एयर बबल्स होते हैं इन्हीं के कारण ये केक ब्रेड जो होता है पल्फी और सॉफ्ट होता है। दैट इज़ क्लियर पॉइंट। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाले, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो पाइरेवेट ये वाला ये प्रोसेस हुआ है अन एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ। ये कौन सा हुआ, अन एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ। अब दूसरे सेकेंड पोजीशन पे आते हैं हम, ये क्या बता रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज जो हमारा होता है फूड जो होता है कैन रीच इन द साइटोप्लाज्म कहाँ है, इन द सेल जानते हो किसको कहते हैं, हमने 9th में पढ़ाया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप देख लीजिए हमारे पीछे वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में जब ये फूड जो जाता है तो पाइरेवेट और एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है, तब क्या होता है वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन तो होती है केवल थोड़ी सी होती है, नाममात्र होती है। तो ये कौन सा रिस्पायरेशन यहाँ पर हो रहा है, एक तो ये चीज़ है लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये अनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, अब वो किसमें कन्वर्टेड हो जाता है, ये पाइरेवेट हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स, ग्लूकोज अवर फूड रीच इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस ग्लूकोज चेंज इनटू एनर्जी एंड पाइरेवेट, एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में दिस पाइरेवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये आप कहोगे बट हाउ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट, वी डू अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड वी यूज टू गो
रन एंड डॉलर सेलेक्ट टू मैक, मतलब बॉडी स्टडी बनाने लोग जाते हैं जिम में। बहुत अधिक लेबर हार्ड वर्क करने के बाद, फिजिकल वर्क करने के बाद क्या होता है, हम लोगों की ब्रीथिंग ऐसे होने लगती है, ये सांस चलने लगती है। तब ऐसा कब होता है पता है आपको? क्योंकि हमारी जो बॉडी सिस्टम में है तो ऑक्सीजन मसल्स में होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, मसल्स। ये होता कहाँ है, ये हमने किसमें बताया था, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, इसमें होता है यीस्ट में। और ये कहाँ होता है, मसल, MUCLCLC, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे, सॉरी। मसल्स जानते हो, ये हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्रैम्प्स बने होते हैं, इनमें पेन दर्द होता है, इसीलिए होता है। और पेन भी होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि जब लैक्टिक एसिड में अब ये सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, इनको जितनी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जितनी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी के सेल्स, मसल्स के सेल्स को ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, ये पाइरूवेट जो होता है कन्वर्टेड लैक्टिक एसिड में हो जाता है, और एनर्जी तो मिलती, और इससे बॉडी पेन भी होता है और क्रॉम्स बन जाते हैं हमारी मसल्स में, दैट इज। तो इसका एग्जांपल यीस्ट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में इसका एग्जांपल क्या है, मसल्स है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, इलेक्ट्रिक क्या होता है, C3H6O3, दैट इज क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अब हाजिर हुई जाके, यहाँ पर बिल्कुल गैर हाजिर रही कौन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर रही थोड़ी बहुत दिखाई दी, थोड़ी सी झलक दिखलाई दी। अब बिल्कुल फुल फॉर्म में आ गई ऑक्सीजन, झलक दिखला आ जा, एक बार आ जा, अब आ गई है। अभी तक यही गाना चल रहा था। अब प्रेजेंस ऑफ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, स्पेलिंग सही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या आता है कि आवर फूड ग्लूकोज रीच इन द साइटोप्लाज्म, अवर ग्लूकोज फूड रीच इन द साइटोप्लाज्म, एंड वेयर इज साइटोप्लाज्म, इन द सेल ऑफ द बॉडी। अभी हमारा सेल में है साइटोप्लाज्म, और सेल कहाँ होता है, हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, इस यूनिट फर्स्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये क्या हो जाता है, पाइरूवेट और एनर्जी में चेंज होता है, और जहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन होती, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन में वाटर जो होता है, वाटर, ये वाटर जो होता है ऑक्सीजन की हाजिरी में अब मौजूद है। अब कौन मौजूद है, ऑक्सीजन अभी मौजूद है, पहले बिल्कुल अब गैर मौजूद रही, बिल्कुल नहीं थी, बीच में नंबर टू पर क्या आई, थोड़ी थोड़ी दिखी। अब थर्ड पोजीशन पे अब ऑक्सीजन पूरी तरीके से आई, अब किसके साथ में आई, वाटर के, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज होता है। अब वाटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज होता है, ये वाला प्रोसेस सेल से माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये वाला प्रोसेस जो होता है सेल के, एक व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर हाउस, किसको कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया है, सेल का कहा गया है, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये थर्ड वाला ऑक्सीजन दिखती है भाई, वो पावरफुल है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए वो बुला लेती है ऑक्सीजन को। तब ऑक्सीजन को जब बुला लेती तो ये वाटर जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये रहा आपका कौन सा प्रोसेस रहा है, बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। ये वाला प्रोसेस जो आपका रहा, एरोबिक प्रोसेस रहा, कौन सा, ए और मार्कर आज मेरे दोनों खराब हो गए लग रहा है, AEROBIC, ये एरोबिक है। और ये दोनों क्या है, अन
अन ए ई आर ओ बी आई सी, टू प्रोसेस आर अनएरोबिक एंड वन प्रोसेस इज एरोबिक. दिस चैप्टर हैव दिस टॉपिक हैव फिनिश एंड नो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी हमें प्लांट्स में बताना है, अभी ह्यूमन में कैसे होता है, अभी हमें सब कुछ उसमें बताना है. अब हम आगे हमारी मोबाइल की जो बैटरी जो है थोड़ी लो हो गई है, तो अभी ज़्यादा हम वीडियो देर तक नहीं बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई विल रिलीज टुमारो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ एनी डाउट, एनी हेजिटेशन, एनी प्रॉब्लम, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, आर यू नॉट गेनिंग एंड फील्स एनी टाइप हेजिटेशन प्रॉब्लम एटसेंट्रा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एंड माई मोबाइल नंबर हैव इन लोगो. मेरा व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर है और बहुत जगह मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 6387599848. थैंक, ओके, बाय बाय, बी मेट इन नेक्स्ट वीडियो.